दोस्तों, आज होली का त्योहार है। इस अवसर पर सबसे पहले सभी देशवासियों को रंग भरी शुभकामनाएं। सवाई माधोपुर ऐप के इस प्लेटफॉर्म से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रंग भरी काव्य गोष्ठी। आज मैं हूं आपके साथ श्री कृष्ण शर्मा। तो दोस्तों, इस काव्य गोष्ठी का करते हैं आगाज और सुनते हैं सवाई माधोपुर के जाने माने व्यंग्यकार श्री प्रभा शंकर उपाध्याय से काव्य रचना। शीर्षक है चंदा। होली का त्यौहार प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है और इस दिन विशेष तौर से यह त्यौहार की मान्यता ये रही है कि हम अपने सारे वर्ष के या पुराने अपना मैल धोकर और आपस में भाईचारा विकसित करें। पुराने जमाने में होता था कि गले मिलने, होली पे गले मिलने और रंग खेलने का मतलब यह था कि हम अपने वैर भाव को मिटा के और एक हो जाएं। और इसलिए मैं इस होली के मौके पर सभी देशवासियों को और हमारे सभी नगर वासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि होली के इस मूल भाव को आप सब लोग ध्यान रखें और किसी तरह का अगर कलुष मन में है तो उसको मिटाएं और प्रेम और सौहार्द का वातावरण विकसित करें। इस होली के अवसर पर मैं अपनी एक गद्य व्यंग रचना चंदागिरी पढ़ रहा हूँ, जो होली के उस पर सामयिक है, प्रासंगिक है। तो प्रस्तुत है वह रचना चंदा। चंदा दो प्रकार का होता है, एक आसमान में रहता है और दूसरा धरती पर उगाया जाता है। आकाश का चंदा घटता बढ़ता रहता है, आकाश का चंदा घटता बढ़ता रहता है तथा पृथ्वी के चंदे में भी प्राय घटबढ़ पाई जाती है। नील गगन के चंदे को भी ग्रहण लगते रहते हैं और धरा के चंदे को भी कालेपन से खासा लगाव है। अंबर के आभावान चंदे को निगलने के लिए राहु सदा आतुर रहते हैं तो जमीन के चंदे को हड़पने की जुगत में अनेकानेक राहु केतु प्रयासरत रहते हैं। अंतरिक्ष में विराजित चंदे को हम बड़े चाव से मामा कहकर पुकारते हैं तो भूलोक का चंदा अगर हस्तगत हो जाए तो न जाने कितने मामाओं और काकाओं से भी अधिक प्यारा सिद्ध होता है। मित्रों, जब हमने होश संभाला तो होली पर चंदाबाजों की उमकती हुई टोलियां ही टोलियां देखी हैं। अपने बालपन में अपन लोगों ने भी चंदे उगाए हैं और आज भी गली गली महल्ले महल्ले में चंदा बटोरक घूम रहे हैं। दोस्तों, हाल ही मेरे मस्तिष्क में यह केमिकल लोचा घुस गया है कि होली का चंदा और होली में कोई न कोई अंतर संबंध अवश्य है। काबिले गौर है कि होली हमेशा पूर्ण चंद्र की रात्रि को संपन्न होती है। उस रात आकाश में चंदा अपनी छटा बिखेरता है और पृथ्वी पर चंदागिरी से दिन भर होली भस्मीभूत होकर बिखर जाती है। बहरहाल, होली का चंदा उगाने में बाल अबालों के जत्थे जुट जाते हैं। कुछ दे राजी दे या गैर राजी दे, गर्ज यह कि होली की चंदागिरी के सम्मुख अन्य प्रकार की दादागिरी भी फीकी लगती है। सड़कों पर पत्थर तथा कांटे बिछाकर वाहन आदि रोके जाते हैं। बरसों पहले लड़के गांवों और कस्बों के मार्गों पर कांटे लटकाकर राहगीरों की टोपियां और गमछे उड़ा लेते थे। घर घर में टोलियां घुस जाती थी तथा लकड़ी का जो भी सामान हाथ लगता उसे उठाकर ले जाते। अलबत्ता घर की लड़की पर एक भरपूर निगाह डालकर छोड़ जाते थे। यदि उस कन्या का नाम चंदा या चंद्रकांता होता तो कहना ही क्या, मन चले चीखते चंदा दे चंदा दे। अगर घर की कोई महिला डपट देती कि मरो मत मर्दू दो, क्या तुम्हारी माँ बहने नहीं है, तो शोदे शोर मचाते तू तक तू तक तूती मरेगी तू तो सूती। होली है भाई होली है। खैर, अब आते हैं आसमां और जमी के चंदाओं की उत्पत्ति के बिंदु पर।
दोनों ही इस धरती की देन है। देवों और दानवों के दरमियान हुए समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप प्राप्त वस्तुओं में एक शीतल आभायुक्त गोलाकार वस्तु भी थी, उसका नामकरण चंदा किया गया। आदरणीय लक्ष्मीकांत वैष्णव लिखते हैं कि दैत्यों और दानवों का समुद्र मंथन इतना बड़ा प्रोजेक्ट अवश्य चंदा एकत्र करके किया होगा, अतः उस कार्य की स्मृति में उन्होंने उस गोल रुपये जैसी लुभावनी वस्तु का नाम चंदा रख दिया होगा। वैष्णव जी की परिकल्पना से मुझे लगता है कि इस तरह देवताओं और दानवों ने इंसान को चंदा रूपी दो सौगातें दे डाली। तब से आज तक जो भी धार्मिक, गैर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन प्राय चंदा वसूली से होते आ रहे हैं। यहां एक दिगर बात और है कि चंदा आकाश के चंदा की भांति कम लुभावना नहीं है, इसलिए चंदा जमा करने के गोरख धंधे में संत और असंत जन तक पीछे नहीं है। जिस भांति नील गगन का चंदा चमकता हुआ धीरे धीरे अचानक लुप्त होकर काला हो जाता है, उसी भांति पृथ्वी का चंदा भी एक दिन सहसा नदारद हो लेता है। संभवतः इसलिए चंदे का राइजिंग फंड अपने सही स्थान से डाउन होकर अन्यत्र राइज हो लेता है। पाठक वृंदों, दोनों ही प्रकार के चंदों में और भी अंतर संबंध हैं। कविगणों ने सुंदर स्त्री की उपमा चंदा से की है तथा मंची कवि से अधिक अच्छा भला और अधिक कौन जान सकता है। उन्हें मालूम होता है कि कवि सम्मेलन अमूमन चंदा बटोर कर ही आयोजित किए जाते हैं। उसी चंदे में से उन्हें मानदेय रूपी लिफाफा भी मिलता है, जो उन्हें सुंदर स्त्री से भी ज्यादा प्यारा प्रतीत होता है। अन्य कलमकार जो पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं, कदाचित वे जानते होंगे कि उनके पारिश्रमिक के पीछे भी ग्राहकों के चंदे का बड़ा हाथ होता है। इनसे इतर एक बात और है, नारी चाहे सुंदर हो या न हो, सदैव सुंदरी ही पुकारी जाती है और उसे चांद का संबोधन दिया जाता है, क्योंकि वह विवाह में दहेज जो दहेज लाती है वह कमनी चंदा ही तो है, जिसे वधु के पिता ने जैसे तैसे एकत्र करके संग्रहित किया। कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी कभी चंदा की महिमा से प्रभावित होकर एक लघु कविता लिख मारी थी, लेकिन एक फिल्मी गीतकार के मन में इसके प्रति संदेह का कीड़ा खुलबुला गया। मैं तुझे चांद कहता हूं मगर उसमें भी दाग है। काश कवि महोदय धरती के चंदा पर अपना ध्यान केंद्रित करते तो उसके घने और गहरे दाग देखकर आसमां के चंदे को दोषमुक्त कर देते। यहां वैष्णव जी का पुनः स्मरण करते हैं, क्योंकि वे एक वरिष्ठ व्यंगकार हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वह यह कि किसी जमाने में चंदा संग्राहक एक चादर फैलाकर निकलते तथा पुकारते जाते थे, चंदा डाल चंदा डाल। लोग स्वेच्छा से उसमें चंदा डाल दिया करते थे। बाद में जब बलपूर्वक चंदा वसूला जाने लगा तो लोगों ने उन्हें चांडाल कहना शुरू कर दिया। इस तरह चांडाल शब्द की उत्पत्ति हुई। अंततः सियासी चंदागिरी की बात पुनः करते हैं, क्योंकि इसकी रंगत ही निराली है, इसके आगे होली के सारे रंग फीके हैं। दीगर यह कि औद्योगिक मंदी या घाटे में चल रहे व्यवसाय के बावजूद उन्हें पार्टी फंड हेतु करोड़ों के चेक सहज ही राजनीतिक दलों को प्राप्त हो जाते हैं। जो फैक्ट्रियां उद्योग घाटे में चल रहे हैं और वही उद्योग जब राजनीतिक दलों को करोड़ों का चंदा देते हैं, तो इस चंदे यह कितना दागदार हो सकता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं तो उस विशाल चंदे की विशाल राशि की कल्पना करकर गुनगुनाने लगता हूं कि दम भर जो उधर मुंह फेरे वो चंदा आ आ आ, मैं तुझसे प्यार कर लूंगा बातें हजार कर लूंगा। व्यंग्यकार श्री प्रभाशंकर उपाध्याय जी ने अपनी खास शैली में चंदा के विभिन्न अंदाजों पर प्रकाश डाला। आपका तहे दिल से आभार। मैं भी अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको जरूर अच्छी लगेगी।
हालांकि इन बड़े साहित्यकारों में मेरा कद बहुत छोटा है, पर सवाई माधोपुर ऐप की टीम के इसरार पर मैं भी अपनी एक स्वरचित कविता पेश कर रहा हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है, तभी सच्ची होली होगी। मिटा दें सारे अंधकारों को, तभी सच्ची होली होगी। मिटा दें सारे अंधकारों को, तभी सच्ची होली होगी। लगा लें सबको गले अपने, तभी सच्ची होली होगी। लगा लें सबको गले अपने, तभी सच्ची होली होगी। हम सब मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, हिंदू मुसलमान एक हो जाएं। हम सब मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, हिंदू मुसलमान एक हो जाएं। ना रहे कोई धर्म का झगड़ा, तभी सच्ची होली होगी। ना रहे कोई धर्म का झगड़ा, तभी सच्ची होली होगी। जब राम रहीम का भेद मिटाओगे, जब राम रहीम का भेद मिटाओगे, जब कृष्ण करीम को मानोगे, काशी काबा को समझोगे, तभी सच्ची होली होगी। काशी काबा को समझोगे, तभी सच्ची होली होगी। होली खेलना हो तो लाल गुलाल अबीर से खेलो। होली खेलना हो तो लाल गुलाल अबीर से खेलो। दंगे में खून बहाना बंद करो, तभी सच्ची होली होगी। दंगों में खून बहाना बंद करो, तभी सच्ची होली होगी। हिंदू मुसलमान आज दो नदी के किनारों की तरह खड़े हुए हैं। हिंदू मुसलमान आज दो नदी के किनारों की तरह खड़े हुए हैं। मिल जाएंगे आपस में गले, तभी सच्ची होली होगी। मिल जाएंगे आपस में गले, तभी सच्ची होली होगी। दिल से दिल मिलाओगे, दिल से दिल मिलाओगे, एक दूजे के रंग लगाओगे, एक दूजे के गले लगाओगे। निकाल फेंकोगे सारी कड़वाहट, निकाल फेंकोगे सारी कड़वाहट, तभी सच्ची होली होगी। अपने पराए का भेद मिटा, अपने पराए का भेद मिटा, हम सब एक हो जाएंगे। कहेंगे सब हिंदुस्तान हमारा, कहेंगे सब हिंदुस्तान हमारा, तभी सच्ची होली होगी। तभी सच्ची होली होगी, तभी सच्ची होली होगी। धन्यवाद। और अब हम रुख करते हैं सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री शिव योगी जी की ओर। इनकी रचना का शीर्षक है फागुन। साथ ही इनसे सुनेंगे अकबर इलाहाबादी की होली पर लिखी गई एक विख्यात रचना। ये जो होली का पावन पर्व है, इस पे इसके लिए पहले तो देशवासियों को सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि भाईचारा जो होली का खास एक भाव है उसको बांटें और अपने मनमुटाव भुला करके और भाईचारे से गले मिलें। और होली जैसी हर साल आती है तो एक खास तरह के रंग लेके आती है, खास तरह का एक सामाजिक जीवन में संचार लेके आती है। तो मैं जो है एक इस होली के पर्व के ऊपर फागुन जो होली होली की पूर्णिमा होली फागुन की पूर्णिमा को आती है, तो फागुन शीर्षक को लेकर के एक मेरी कविता है, वो आपको सुनाता हूँ। पकने लगी गेहूं की बालें, पकने लगी गेहूं की बालें, नीम नीम में कोंपल फूटे, अमराई ने गंध बिखेरी, भौरों के गुंजार अटूटे। नीम नीम में कोंपल फूटे, अमराई ने गंध बिखेरी, भौरों के गुंजार अटूटे। पुरवाई की फिसलन से गिरती गिरती सी चालें, पुरवाई की फिसलन से गिरती गिरती सी चालें, पकने लगी गेहूं की बालें। और जैसा कि बहुत तीखी धूप होती है, धूप रूप को छोड़ गई, अमल ताश पियर आए, धूप रूप को छोड़ गई, अमल ताश पियर आए, फलियां आई बबूल में, ऋतु रसाल गदराए। धूप रूप को छोड़ गई, अमल ताश पियर आए, फलियां आई बबूल में, ऋतु रसाल गदराए। खलियानों में नया अन्न है, यह प्रसन्न है वह प्रसन्न है। खलियानों में नया अन्न है, वह प्रसन्न है यह प्रसन्न है। यह फागुन का पर्व मना ले, पकने लगी गेहूं की बालें, पकने लगी गेहूं की बालें। इस होली के पावन पर्व पर मैं बेहतरीन शायर नज़ीर अकबराबादी का होली पे लिखा गया एक कलाम जो है उसके कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जब फागुन रंग झमकते हो तब तेग बहारें होली की, और दब के शोर खड़कते हो
तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की, खमसी से जाम छलकते हों तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हों तब देख बहारें होली की, जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की, हो नाच रंगीली परियों के बैठे हो घुंघरू रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की कुछ नाज अदा ओ ढंग भरे, दिल फूले देख बहारों के और कानों के अहंग भरे, कुछ तबले खड़के रंग भरे कुछ ऐश के दम मुँह चंग भरे, कुछ घुंघरू ताल झनकते हों तब देख बहारें होली की, जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, गुलजार खिले हों परियों के और मजलिस की तैयारी हो, कपड़ों पर रंगों के छींटों से रंग अजब गुलकारी हो, मुँह लाल गुलाबी आंखें हों और हाथों में पिचकारी हो, उस रंग भरी पिचकारी को अंगिया पर तक कर मारी हो, सीनों से रंग ढलकते हो तब देख बहारें होली की, जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की। दोस्तों, शिव योगी जी की कविता फागुन में मनमोहक प्रकृति चित्रण था, और अकबर इलाहाबादी की इस रचना पर तो कुछ भी कहना, सूरज को दिया दिखाने जैसा है। कोई शिकवा न रहे, कोई शिकायत न रहे, कोई शिकवा न रहे, कोई शिकायत न रहे, इश्क तो बस खुदा की इबादत रहे, इश्क तो बस खुदा की इबादत रहे, हालात चाहे कितने भी हों खिलाफ, हालात चाहे कितने भी हों खिलाफ, दरमियाँ दिल के कोई अदावत न रहे, दरमियाँ दिल के कोई अदावत न रहे, करके हाफिज़ खुदागर बिछड़े कोई, करके हाफिज़ खुदागर बिछड़े कोई, कहने सुनने को बाकी हिकायत रहे, कहने सुनने को बाकी हिकायत रहे, लव खामोश और दिल दुआ का मकाम, लव खामोश और दिल दुआ का मकाम, हर रिश्ते में इतनी लताफत रहे। इस जहां में कहीं जिनके अपने नहीं, इस जहां में कहीं जिनके अपने नहीं, उनके सर पर खुदा की इनायत रहे, उनके सिर पर खुदा की इनायत रहे। खुद चली आती है हर नज़र साथ में, खुद चली आती है हर नज़र साथ में, हुस्न में थोड़ी गर नफासत रहे, हुस्न में थोड़ी गर नफासत रहे, कभी हारू नहीं वक्त से जो कभी, कभी हारू नहीं वक्त से जो कभी, मेरे किरदार में वो शराफत रहे, मेरे किरदार में वो शराफत रहे। दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो काव्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखती है, वो शख्सियत है सवाई माधोपुर के हर दिल अजीज श्री ताऊ शेखावाटी जी, जो अपने फ़न की श्रेष्ठता के लिए किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री ताऊ शेखावाटी जी को, कृपया आएं और अपनी कविता पढ़ें। होली का त्यौहार जो है वो रंगोली का त्यौहार होता है, मित्रता का त्यौहार होता है। ज़्यादा करके हमारे राजस्थान के जो लोग हैं बाहर कमाने के लिए जाते थे, क्योंकि पहले अपने यहाँ साधन नहीं हुआ करता था, और वो बरसों वहाँ रहते थे, उनकी घरवालियाँ गाँव में रहती थी, उन दिनों उनको बुलाने का जो साधन होता था वो गीतों में गाया जाने लगा, वो कुर्जाए मारो भौर मिला दीजिए, ये ऐसे कितने गीत हैं, उन्हीं में से एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। पति विदेश गया हुआ है और वो उसको कहती है कि अब तो आ जा, होली आ गई। आयो होली को त्यौहार घर आ जा रसिया, गीतों के अंदर ताली बजनी चाहिए, ताली नहीं बजे तो मज़ा नहीं आता, और ताली संगीत, संगीत जो होता है वो ताली से बढ़ के कोई संगीत नहीं होता, तो आप लोग ताली बजाना, मैं ही बजा लूँगा, है ना। आयो होली को त्यौहार घर आजा रसिया, आजा रसिया कपापड़ खा जा रसिया, आयो होली को त्यौहार घर आजा रसिया, आयो होली को त्यौहार घर आजा रसिया। और गया दिसावर बरस हो लिया पांच आपने राजा, पांच साल हो गए अब तो आ, गया दिसावर बरस हो लिया पांच आपने राजा, और कांग्रेस को राज बदल गयो जुल्मी अब तो आजा, आगी बीजेपी सरकार घर आजा रशिया,
आगी बीजेपी सरकार घर आजा रसिया, आजा रसिया के पापड़ खा जा रसिया, आयो होली को त्योहार घर आजा रसिया, आयो होली को त्योहार घर आजा रसिया। आप लोग ताली बजाओ नहीं तो मैं कुछ गलत कह दूंगा। अरे मेरी ई कविता पर जो कोई ताली नहीं बजावे, मेरी ई कविता पर जो कोई ताली नहीं बजावे, और राम करे बी की बीबी ने रावण हर ले जावे, लुटिया डूबे बीच बाजार घर आजा रसिया, लुटिया बीजे बीच बाजार घर आजा रसिया, आजा रसिया कपा पड़ खा जा रसिया, आयो होली को त्योहार घर आजा रसिया, आयो होली को त्योहार घर आजा रसिया। आखिर में अल्टीमेटम देती है कि तेरी याद में सुन मेरा बालम एक दिन मैं मर लूंगी, तेरी याद में सुन मेरा बालम एक दिन मैं मर लूंगी, और आनो है तो आजा नहीं मैं दल बदली कर लूंगी, छेला घना खड़ा है त्यार घर आजा रसिया, आयो होली को त्योहार घर आजा रसिया, आजा रसिया कपा पड़ खा जा रसिया, आयो होली को त्योहार घर आजा रसिया, आयो होली को त्योहार घर आजा रसिया, आयो होली को त्योहार घर आजा रसिया। राजस्थानी गीता रो भंडार है ई धरती के ऊपर गीता की केवा, कई धरती पर बावड़ा तो गीतड़ लारी बाढ़, मरवण गावे मोरियो तो ढोलो गावे माड, काग उड़ावे कामणी तो पाले मन की प्रीत, और पाती भेजे पीव ने तो गा की कुरजा गीत, भंवर मिला दीजे ये। ये वो धरती है, ये वो धरती है जहाँ गीत गाए जाते हैं, ये वो धरती है जहाँ गीत गाए जाते हैं, गली कूचे यहाँ के गीत गुनगुनाते हैं, गीत गनगोर के बालाएं सुर में गाती हैं, उनको सुनकर स्वर्ग की अप्सरा लजाती हैं, यहाँ मनुहार भी गीतों में गाई जाती है, और गालियां तक यहाँ गाकर सुनाई जाती है। ये वो धरती है, तो एक गीत सुनो। उबी सरवरिया रे तीर हेलो पाड़े थारी हीर, भोली बाई सारा वीर गोरी धन उड़ी के घर आओ सा, उबी सरवरिया रे तीर हेलो पाड़े थारी हीर, भोली बाई सारा वीर गोरी धन उड़ी के घर आओ सा, हो सिट्टा पाकण लाग्या बाजरिया रे खेत में, हो सिट्टा पाकण लाग्या रे सिट्टा पाकण लाग्या बाजरिया रे खेत में, आओ घूमर घाला ठंडी ब्यालू रेत में, टन 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 मीठा मीठा ए मतीर खावा काकड़िया री लीर, भोली बाई सारा वीर गोरी धन उड़ी के घर आओ सा, उबी सरवरिया रे तीर हेलो पाड़े थारी हीर, भोली बाई सारा वीर गोरी धन उड़ी के घर आओ सा, हो कुर्जा दीजे ये संदेशो जा की पीव ने, हो कुर्जा दीजे ये संदेशो कुंजा दीजे ये संदेशो जा की पीव ने, बेगा आवे ना तरसावे धन रे जीव ने, टन 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 हिवड़ो देख धरे ना धीर, टप टप नैना बरसे नीर, टप टप नैना बरसे नीर, भोली बाई सारा वीर गोरी धन उड़ी के घर आओ सा, उबी सरवरिया रे तीर हेलो पाड़े थारी हीर, भोली बाई सारा वीर गोरी धन उड़ी के घर आओ सा। हाँ तो भाई लोगो, होली के पावन पर्व पर आप सब ने थे रस्म, मस्त रहो व्यस्त रहो और त्रस्त रहो भगवान की दया से, जी हाँ भी रहो, लेकिन होली शुभ, हैप्पी होली, बहुत बहुत नमस्कार।
श्री ताऊ शेखावाटी जी ने अपनी चिर परिचित शैली में अपनी रचनाओं से हमें आनंदित किया। और भी मौके आएंगे जब हम उनके साथ दोबारा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। दोस्तों, आज की रंग भरी काव्य गोष्ठी में आपको जरूर मजा आया होगा। दोस्तों, आपके सुझाव और आपका साथ ही हमारी ताकत है। जुड़े रहिए हमसे, करते रहिए अपना मनोरंजन और करते रहिए अपने ज्ञान विज्ञान में विस्तार। और पाइए सवाई माधोपुर की हर छोटी बड़ी खबर सवाई माधोपुर ऐप के फेसबुक पेज पर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं श्री कृष्ण शर्मा अब आपसे लेता हूं विदा। एक बार फिर आप सभी को होली के रंग भरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।